बताइए बताइए कहाँ जा रहे हैं, बताइए बताइए सरप्राइज, बताइए बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, नेशन सरप्राइज है, जल्दी बताइए हमारा नेशन पूछना चाह रहा है आपसे, बताइए हंसी मत, जल्दी बताइए सरप्राइज है, शक्ल दिखाइए अपनी, आपके शक्ल में बदमाशी छा रही है, जल्दी बताइए, नहीं बताना, बताइए जल्दी बताइए, पता चलेगा जब आपको जाना, जल्दी बताइए, देख लिए बता दिए, ये हमारे बैग रखे जा रहे हैं, हमारे भाई बता नहीं रहे हमें कहाँ ले जा रहे हैं, सरप्राइज है, इनकी शक्ल देखिए बहुत भारी चीजें उठा रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है, शक्ल देखिए फूल गई है, हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस हाय, अभी ये हमें तो पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे भाई ने सस्पेंस रखा है, वो कह रहे हैं मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा आपको देखते ही बहुत मजा आ जाएगा, अब देखिए कहाँ ले जाते हैं, तो आइए अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम सीट बेल्ट पहनेंगे एंड मास्क लगाएंगे, देखिए हम घर से निकल चुके हैं, हमारे आगे एक ट्रेन जा रही है, ये हमारे घर के आसपास का एरिया है, ये इन्होंने गाड़ी ठोकी, रेस बोर्ड चलाते हैं मेरे भाई, आपको पता ही है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, सुनते है नहीं है किसी की, मुझे नीचे से मार रहे हैं, अरे वीडियो में मत बोल, और ये गए और ये हम गए 90 की स्पीड ले ली, उन्होंने 90 की आगे निकल गए, बड़ा शांत माहौल बना दिया उन्होंने, ये देखिए कितनी स्पीड आ रही है, ये देखिए ट्रक आ रही है, टन 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 टन, भाई आगे निकल रहे हो, आगे निकल गए हम, आगे निकल रहे हो, हमने बाइक से ओवरटेक करी, बाइक वाला हमें देख रहा है घूर घूर के, ये देखिए हमने हापुड़ रोड ले लिया, वैसे तो हम फिर हापुड़ रोड से खीसम पेरिफेरल रोड लेंगे, ये हमने हापुड़ रोड ले लिया, ये देखिए रोड कितनी अच्छी बन गई है, हम यहाँ से आप देख ही सकते हैं, ये देखिए हम पहुंच गए एयरपोर्ट, अब हम यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल की ओर जाएंगे, ये सामने वाला ऑटो शायद खराब हो गया है, इसने ट्रैफिक जाम कर दिया सब जगह, ये हिलने को तैयार नहीं हो रहा, पता नहीं अब लोग परेशान हो रहे हैं, ये देखिए साइड से एक छोटी वो कार टाइप निकल गई है, अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ से जाएँ वो, अब मगर नहीं पता नहीं क्यों खड़ा आता है ये बीच में, देखिए अब हम राइट साइड ले रहे हैं ये एयरपोर्ट, निकल गई वैन भी, हमें रास्ता नहीं पता, हम पूछ पूछ के तो जा रहे हैं, हमारे इसलिए स्पीड बहुत स्लो है, हमने रखी भी स्लो है, कोई कह रहा है आप ईस्टर्न से पेरिफेरल से जाए, कोई कह रहा है आप दिल्ली से होते हुए जाए, देखिए अब हम कहाँ पहुँचते हैं, हमारे मंजिल हमें कहाँ ले जाती है, अभी मेरे भाई ने बताया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, बताने को तैयार ही नहीं हो रहे, वो क्या कर सकते हैं फिर, बस ये पूछे जा रहे हैं कि अभी उस वाली इससे पेरिफेरल रोड पर जाना, बस इन्होंने यही बताया अभी तक, तो यही पता चला है, अच्छा हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, पिन तो दीजिए आप ले जा कहाँ रहे हैं हमें, भारत यही पूछ रहा है आपसे कहाँ ले जा रहे हैं आप, हम आपको कहीं नहीं ले जा रहे हैं, आप देख लेना कुछ तो हिंट दीजिए, हमारे दर्शक जाना चाह रहे हैं, इंडिया पूरा पूछ रहा है कहाँ ले जा रहे हैं आप, कहीं नहीं ले जा रहे आपको, अभी हम आपको ही देख के पता चल रहा है जब पहुंचेंगे, देखिए अभी भी इन्होंने बताया नहीं कुछ, ये हमारा इतने पेरिफेरल हाईवे है, ये देखिए किसी ने पराली जला रखी है, जबकि सरकार ने मना भी करा है मगर लोग सुनते नहीं है, must never step away, yeah.
सेकंड टूर आ गया है ईस्टर्न पेरीफेरल का। ओ भाई साहब कितना ब्यूटीफुल बना है, आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं यार, अल्टीमेट है अल्टीमेट। दास बता ही नहीं रहे हम कहाँ ले जा रहे हैं हमें। वो कह रहे हैं मरवाने जा रहे हैं। ये देखिए हम सोनीपत में रुके हैं बीकानेर में, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना पेट पूजा करेंगे और फिर आगे हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, मगर ये अभी तक नहीं पता चला कि हमें जाना कहाँ है। चलिए फिर मंदिर चलते हैं, अब हम आपको बाद में मिलेंगे, कुछ खा पी लें पेट पूजा कर लें, उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे वीडियो अपनी। देखिए अंदर का नज़ारा बीकानेर का, मैंने सोचा दिखा दूँ। आपको मेरी आवाज़ इसलिए कम आ रही होगी क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ है। क्या खा रहे हैं सिद्धार्थ आप? आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या लेना है आपको? सूप पी रहे हैं। दिन में सूप कौन पीता है? हम पीते हैं, हम अलग हैं, अनोखे हैं। वो तो मैंने आपकी जो वीडियो बनाई उसमें मुझे पता चल गया अनोखे ही है। देखिए हमने ये मंगवाई है, मिनी थाली मंगवाई है, ये मेरे भाई हैं, कह रहे जल्दी से वीडियो बना मुझे खाने दे, बढ़िया सी छुट रही है इनकी। अब हम ये थाली फटाफट खा के निकलते हैं आगे की तरफ। अब ये पानीपत का टोल रोड है, हम बहुत थक चुके हैं, तब से पता नहीं इतने टोल रोड आ रहे हैं बीच बीच में, मगर हमारे भाई बता ही नहीं रहे, वो कह रहे हम थकते नहीं, हम शेर हैं। आप शेर हैं? वो कह रहे चूहा, बता चूहा बन गया। अब ये तो बताइए आप कहाँ ले जा रहे हैं, इतना तो बताइए हमें। नहीं बताना, थक चुके हैं हम, 6 घंटे से घूम रहे हैं आपके साथ, तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, और पहुँच रही है, थक गए यार पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। अब ये आप 5वां 6वां शायद टोल रोड है जब से हम अपने घर से निकले हैं। अब हम अम्बाला में एंट्रेंस हो रहा है हमारा, एंटर कर रहे हैं। राइट साइड में सब लोग चाय वाय पी रहे हैं, हम भी चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं मगर हमें मिल नहीं रही। हमारे बड़े भैया हमें देख रहे हैं गुस्से के मारे कि ये क्यों बोल रहा है कि चाय क्यों पीना है हमें। अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर अम्बाला जाएंगे। ये लो जी हम आ गए चंडीगढ़, मेरे भाई ने अभी मुझे बताया कि हम चंडीगढ़ और शिमला जा रहे हैं। फिलहाल हम पहले 2 दिन चंडीगढ़ में रुकेंगे, उसके बाद हम आगे अपना शिमला का सफ़र पूरा करेंगे। ये देखिए हमारा होटल, होटल रेडिसन। आप बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमारा सफ़र मेरठ से चंडीगढ़ तक का, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा एंड बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद।